वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम डायरेक्ट टैक्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इसकी इंट्रोडक्शन आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स लॉ आपका सब्जेक्ट है। इसमें चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इसकी इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है सेट ऑफ और जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है क्या चीज़ होती है। इनकम टैक्स इज लिवर्ड ऑन टोटल इनकम ऑफ एन असेसी फॉर द प्रीवियस ईयर। जो इनकम टैक्स है वो असेसी की प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है। देयर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के जो फाइव हेड्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो है इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। दीज आर इनकम फ्रॉम सैलरी, ये फर्स्ट हेड होता है। सेकंड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो फाइव हेड्स होते हैं ये हम इनकम टैक्स इसी को टोटल करके इस पर निकालते हैं। इसमें जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसी के बेस पे हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक करेंगे। तो अंडर द हेड ऑफ इनकम एंड गेन्स द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्स इज कैलकुलेटेड। जो ये हेड होता है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इसमें जो अलग अलग सोर्सेज से इनकम हो रही है एसएससी को वो कैलकुलेट की जाती है। मान लीजिए एक एसएससी है, एक पर्सन है, उसके टू और थ्री बिजनेस यूनिट्स हैं, अलग अलग बिजनेस उसके हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक रिटेल का उसने ओपन किया है, कुछ और साथ में काम कर रहा है, उसका दो तीन सोर्सेज से उसको इनकम हो रही है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एन एसएससी विल ओनली अर्न प्रॉफिट। अगर वो तीन बिजनेस कर रहा है, हो सकता है दो बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, जैसे उसके थ्री बिजनेस हो रहे हैं पर्सन के। एक उसका बिजनेस है मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी, एक में वो ट्रेडिंग का काम कर रहा है, एक में रिटेल का कुछ कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। इन दो में मान लीजिए उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है और एक में उसको लॉस हो रहा है। तो इस केस में क्या किया जाता है, तो जिस में लॉस हो गया और दो में प्रॉफिट हो गया, इन दोनों में एडजस्टमेंट कर दी जाती है। तो अगर तो इसमें इसको प्रॉफिट हो रहा है 10,000, इसमें हो रहा है 8,000 और इसमें लॉस हुआ है 2,000, तो मान लीजिए 18,000 माइनस 2,000 लाइक समथिंग दैट 16,000 के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। तो व्हेन द इनकम ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स इज पुट टुगेदर, तीन फॉर्म्स हैं उसकी, तीनों के प्रॉफिट को साथ में लाया गया है। The loss of one form is to be adjusted against the profit of other form. तो एक जो loss हो रहा है form में, दो जो बाकी में दो में profit हो रहा है, इन दोनों में adjustment कर दी जाती है। So in the same year, अगर तो same year में adjustment कर दी जाएगी, इसको बोलेंगे हम set off, कि हमने ये इस loss को इस profit के against set off कर दिया in same year। तो इसको सेटअप बोला जाता है। अगर हम ये जो लॉस है यहाँ पे वो कवर अप नहीं हो रहा, मान लीजिए लॉस उसको हो रहा है 22,000, सेकंड केस मान लीजिए, तो सेट ऑफ का हो गया। प्रॉफिट उसको हो रहा है 18,000 और लॉस उसको हो रहा है 22,000, तो जो 4,000 लॉस है वो सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं होगा, उसको नेक्स्ट ईयर में लेके जाना पड़ेगा। तो जो लॉस हम नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करेंगे उसको कैरी फॉरवर्ड लॉस बोला जाता है। So likewise, if that loss will be adjusted in next year, it is called forward loss. इसको forward loss बोला जाता है। तो इसमें हमें पता चल रहा है जो income and gain head है उसका, profit and gain का जो head है, उसमें जो business और profession में income हो रही है, अगर तो उसमें किसी में loss हो रहा है और उसकी adjustment same year में हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा set off, और अगर same year में adjustment नहीं हो पा रही, next year में हम लेके जा रहे हैं, उसको बोला जाएगा कैरी फॉरवर्ड। इसकी आगे फर्दर एलैबोरेशन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हो रहा है। थैंक यू।